हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने वाली हूँ स्टैंडर्ड सेवेंथ के इंग्लिश सब्जेक्ट का फोर्थ यूनिट का लेसन नंबर 4.6, दैट इज पापा पनोव्स स्पेशल क्रिसमस। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट का लास्ट लेसन है और इसके एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स की लिंक भी मैं आपको दूंगी, जिसे आप पा सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जा सकते हैं। इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के बाद में भी आप मेरे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, क्योंकि इसके बाद में मैं सारे ग्रामर लेसन्स करने वाली हूँ, साथ ही साथ मैथ्स और हिस्ट्री सिविक्स के भी लेसन्स मैं अपलोड करूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो मेरे चैनल के वीडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पापा पनोव्स स्पेशल क्रिसमस। It was Christmas Eve, and although it was still afternoon, lights had begun to appear in the shops and houses of the little Russian village, for the short winter day was nearly over. Excited children scurried indoors, and now only muffled sounds of chatter and laughter escaped from closed shutters. अब ये जो है लियो टॉलस्टॉय द्वारा लिखी गई ये स्टोरी है। तो इसका राइटर जो है लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय की बहुत फेमस स्टोरीज है, स्पेशली रशिया जो कंट्री का काफी मेंशन है इसमें। तो ये भी जो है स्टोरी रशिया की ही है, जहां पर विंटर सीजन में स्नोफॉल होता है, बहुत ठंड होता है बाहर, सब लोग अपने घर में रहते हैं। तो ये क्रिसमस ईव चल रहा है, क्रिसमस दिसंबर में आता है, दिसंबर में विंटर सीजन रहता है। तो क्रिसमस ईव, ईव मतलब जब किसी त्योहार की शुरुआत होती है या उसके जस्ट एक दिन पहले वाला दिन, उसे हम ईव कहते हैं। तो इट वॉज क्रिसमस ईव, यानी क्रिसमस का फेस्टिवल था और अभी भी सिर्फ आफ्टरनून ही हुई थी, मतलब शाम नहीं हुई थी, अंधेरा नहीं हुआ था, इट वॉज स्टिल आफ्टरनून, लेकिन लाइट्स जो है शॉप्स में धीरे धीरे सब जलाने लग गए थे। यानी नॉर्मली हम शाम होने के बाद में लाइट्स जलाते हैं, बट क्योंकि ये क्रिसमस ईव था, सभी लोगों ने ऑलरेडी लाइटिंग कर रखी थी और सभी ने अपने शॉप्स की लाइट्स चालू कर ली थी। और ये स्टोरी है एक छोटे से रशियन विलेज की, और यहाँ पर एक शॉर्ट विंटर डे का डिस्क्रिप्शन बताया गया है, मतलब विंटर सीजन चल रहा है और विंटर सीजन के एक दिन का डिस्क्रिप्शन बताया गया है कि दोपहर थी, लेकिन फिर भी जो बहुत सारे शॉप्स थे आसपास के, वहां पर सब जगह लाइटिंग्स चालू हो चुकी थी। और जो बच्चे होते हैं, देखो फेस्टिवल के सीजन में बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, तो एक्साइटेड चिल्ड्रन स्करिड इंडोर्स एंड नाउ ओनली मफल्ड साउंड्स ऑफ चैटर एंड लाफ्टर एस्केप फ्रॉम क्लोज्ड शटर्स। क्योंकि वो दिन जो है करीब करीब खत्म होने आ गया था, विंटर डे, शॉर्ट विंटर डे करीब करीब खत्म होने आ गया था, तो सारे बच्चे जो एक्साइटेड है क्रिसमस के लिए, वो सभी के सभी अंदर अपने अपने घरों में चले गए। अब बाहर कुछ नहीं था, बाहर सन्नाटा था और अंदर से सिर्फ आवाजें आ रही थी। मतलब जब हम कोई भी बाहर खड़ा है ना, तो सभी लोगों के घर के अंदर से आवाजें आती हुई नजर आ रही थी, और वो आवाजें एकदम धुंधली सी थी, हंसने की, बातें करने की, और बंद दरवाजों में से आवाजें आने जैसा था, जैसे शोर शराबा हम कहते हैं, बिल्कुल उसी तरीके का वहां पर उनको महसूस हो रहा था। ओल्ड पापा पनोव द विलेज शूमेकर stepped outside his shop to take one last look around. The sounds of happiness, the bright lights and the faint but delicious smells of Christmas cooking reminded him of past Christmas times when his wife and had still been alive and his own little children. Now they had gone. अब ये जो पापा पनोव है, ओल्ड पापा पनोव, ये बाय प्रोफेशन ये एक शू मेकर थे, और अभी तो शायद एज के हिसाब से उन्होंने बंद कर दिया था। तो ये ओल्ड पापा पनोव द विलेज शू मेकर, यानी इस विलेज में वो शू मेकर थे, शूज बनाते थे। वो अपने घर के बाहर, मतलब अपने शॉप के बाहर उन्होंने कदम रखा, जस्ट एक लास्ट लुक आजू बाजू में देखने के लिए कि कहीं कोई है क्या बाहर, जस्ट ऐसे ही। एंड सभी जगह से, आस पास से उनको खुशियों की आवाज आ रही थी, साउंड ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि सभी खुश थे ना, तो घर में सभी लोग खुशियां मना रहे थे, तो वो आवाजें उनको आ रही थी, और सभी जगह ब्राइट लाइट्स जली हुई थी, और फेंट बट डिलीशियस स्मेल्स ऑफ क्रिसमस कुकिंग। अभी क्रिसमस के टाइम पर, स्पेशली रशिया जैसे कंट्री में, वहां पर तो क्रिसमस के टाइम पर केक्स वगैरह बहुत बनते हैं, तो ऐसी फेंट, मतलब हल्की सी, भीनी भीनी सी खुशबू भी उनको
आ रही थी क्रिसमस के कुकिंग की, और बिल्कुल वैसी ही कुकिंग उसको उनको याद आ रही थी जब वो यंग थे और जब उनकी वाइफ भी जिंदा थी, मतलब अब उनकी वाइफ मर चुकी है, और तब उनके बच्चे भी उनके साथ रहते थे जो छोटे थे। अब यहाँ पे बताया गया है कि अब उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते हैं। एंड हैड हिज एंड हिज ओन चिल्ड्रन लिटिल, उनके खुद के बच्चे छोटे थे। मे भी हो सकता है कि बच्चे बड़े होने के बाद में अपने अपने काम के लिए कहीं और चले गए हो। सो नाउ दे हैड गॉन, यहाँ पे बता रहे हैं नाउ दे हैड गॉन। हिज यूजुअली चीयरफुल फेस विद द लिटिल लाफ्टर व्रिंकल्स बिहाइंड द राउंड स्टील स्पेक्टिकल्स लुक्ड सैड नाउ, बट ही वेंट बैक इंडोर्स विद अ फर्म स्टेप, पुट अप द शटर्स एंड सेट अ पॉट ऑफ कॉफी टू हीट ऑन द चारकोल स्टोव, देन विथ अ साई ही सेटल्ड इन हिज बिग आर्म चेयर। अब हिज यूजुअली चीयरफुल फेस मीन्स हमेशा जो खुश रहने वाला चेहरा था, और जिसके जब वो हंसता था उसके आंखों में उसके रिंकल्स आते थे, आज लेकिन वो आंखें जो है उसकी सैड नजर आ रही थी चश्मे के पीछे से। इट वॉज लुकिंग सैड। और आजू बाजू में सबके साथ में उनके फैमिली मेंबर्स थे और वो अकेले थे, इसीलिए वो हो सकता है सैड थे। फिर भी उन्होंने कुछ सोचते हुए वापस से वो अपने शॉप के अंदर चले गए इंडोर्स, और उन्होंने अपना शटर जो है बंद कर दिया दुकान का, और जो है वहां पर जो चारकोल स्टोव था, चारकोल यानी कोयला, चारकोल स्टोव था, कोयले का स्टोव था, वहां पर उन्होंने एक पॉट ऑफ कॉफी रख दिया था हीट करने के लिए, और एक लंबी सांस लेते हुए विद अ साय एक ठंडी सांस लेते हुए अपनी बड़ी सी आर्म चेयर जो है उसमें बैठ गए थे। आर्म चेयर यानी कि कुर्सी जिसमें हाथ रखने वाला भी होता है साइड का स्टैंड, और वो आगे पीछे होता रहता है आर्म चेयर, वैसी वाली आर्म चेयर में वो वहां पर बैठ गया एक लंबी सी सांस लेते हुए, आह भरते हुए। साय साय मतलब एक सांस लेना, लंबी सांस लेना, उसे कहते हैं साय। पापा पनोव डिड नॉट ऑफन रीड, बट टू नाइट ही पुल्ड डाउन द बिग ओल्ड फैमिली बाइबल एंड स्लोली ट्रेसिंग द लाइन्स विथ वन फोर फिंगर ही रेड अगेन द क्रिसमस स्टोरी। ही रेड हाउ मैरी एंड जोसेफ टायर्ड बाय देयर जर्नी टू बेथलहम फाउंड नो रूम फॉर देम एट द इन, सो दैट मैरीज लिटिल बेबी वॉज बॉर्न इन द काउ शेड। अब पापा पनो ऐसे तो नॉर्मली ज्यादा पढ़ते नहीं हैं, लेकिन उस दिन उनको पता नहीं क्या सूझी, उन्होंने एक जो ऊपर की तरफ रखी हुई थी बाइबल, ओल्ड फैमिली बाइबल जो पुरखों से उनके पास में थी, वो बाइबल उन्होंने निकाली ऊपर से, और स्लोली धीरे धीरे वो अपनी उंगलियां रख रख के ऐसा रीड कर रहे थे, ट्रेसिंग द फिंगर, है ना, उंगलियों से अपन जैसे रीडिंग करने के टाइम पे फिंगर्स रखते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से वन फोर फिंगर को रखते हुए, यानी अंगूठे के बाजू वाला फिंगर, दैट इज कॉल्ड एज फोर फिंगर, है ना, जस्ट थंब के बाजू वाला जो फिंगर होता है दैट इज फोर फिंगर। तो ही रेड अगेन द क्रिसमस स्टोरी, उन्होंने वापस से क्रिसमस स्टोरी पढ़ी, और उन्होंने ये पढ़ा कि किस तरह से मैरी और जोसेफ ये बहुत ज्यादा थक गए थे रास्ते में जब वो बैथलेहम जा रहे थे, और किसी भी होटल में, इन इन मीन्स होटल, ये जो INN दिख रहा है यहाँ पे, इसका मीनिंग होता है होटल्स, होटल्स जहां पर हम रात को रुकते हैं, स्टॉपेज करते हैं, तो किसी में भी उनको कहीं पर भी कोई रूम नहीं दे रहे थे, कोई भी नहीं दे रहा था, और फाइनली मैरी जो है उनको बेबी को कहाँ पर जन्म देना पड़ा, एक काउशेड में, काउशेड में उनको सहारा लेना पड़ा क्योंकि कोई उनको जगह ही नहीं दे रहा था। ओ डियर एक्सक्लेम पापा पनो, इफ ओनली दे हैड कम हियर आई वुड हैव गिवन देम माई बेड एंड आई कुड हैव कवर्ड द बेबी विद माई पैच वर्क क्विल्ट टू कीप हिम वॉर्म। अब पापा पनो कहते हैं ओ डियर मतलब बेचारे, उनको रास्ते में ऐसा उनके साथ हुआ, उनको कोई जगह नहीं दिया, तो पापा पनो को ऐसे लग रहा था काश वो यहाँ होते, अगर वो यहाँ आए होते तो मैं उनको अपना पलंग दे देता वहां पे, और जो बेबी होता था उसको मैं अपने क्विल्ट से, क्विल्ट मतलब ओढ़ने वाला जो चादर होता है रजाई, वो, और वो जो क्विल्ट है पैच वर्क वाला क्विल्ट है, मतलब अच्छा डिजाइन वगैरह उस पर बनाया हुआ है, और वो क्विल्ट मैं उस बेबी को देता था उसको वॉर्म रखने के लिए। वॉर्म क्यों रखते हैं, क्योंकि ठंडी का टाइम है इसलिए क्विल्ट जरूरी है बच्चों को वॉर्म रखने के लिए। ही रेड ऑन अबाउट द वाइज मैन हु हैड कम टू सी द बेबी जीसस ब्रिंगिंग हिम स्प्लेंडेड गिफ्ट्स। फिर पापा पनो जब बाइबल में आगे पढ़ रहे थे तो उन्होंने पढ़ा कि किस तरह से वाइस मैन, ये स्टोरी तो हम सभी को पता है कि
जीसस क्राइस्ट जो है काउशेड में बॉर्न हुए थे रात के समय में, जब कोई भी उनको आसपास में जगह नहीं दे रहा था, तो फाइनली काउशेड में ही जगह ढूंढी। और जब ये बॉर्न हुए तो पता नहीं कहाँ से किंग आए उनको, तीन चार तीन किंग आए उनको गिफ्ट्स देने के लिए, बड़े बड़े किंग आए। तो उन्होंने ये भी पढ़ा पापा पनोव ने कि किस तरह से वो वाइस मैन यानी जो किंग्स जो गिफ्ट लाए थे बेबी जीसस के लिए, बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स थे, स्प्लेंडेड गिफ्ट्स, ब्यूटीफुल गिफ्ट्स। पापा पनोव्स फेस फेल। आई हैव नो गिफ्ट दैट आई कुड गिव हिम, ही थॉट सैडली। अब जैसे ही गिफ्ट्स के बारे में सोचा पापा पनोव ने, उनका फेस जो है थोड़ा उतर गया। फेस फेल मतलब चेहरा उतर जाना, चेहरा उतर जाना मतलब उदास हो जाना हल्के से। और वो सोचने लगे कि मेरे पास अगर वो आते तो मेरे पास तो कोई भी गिफ्ट नहीं था उनको देने के लिए, तो उदास होकर ऐसा सोचने लगे। देन हिज फेस ब्राइटन्ड, ही पुट डाउन द बाइबल, गॉट अप एंड स्ट्रेच्ड हिज लॉन्ग आर्म टू द शेल्फ हाई अप इन हिज लिटिल रूम। ही टुक डाउन अ स्मॉल डस्टी बॉक्स एंड ओपन्ड इट। इनसाइड वॉज अ परफेक्ट पेयर ऑफ टाइनी लेदर शूज। फिर पता नहीं अचानक से क्या हुआ, पापा पनोव को कुछ याद आया और उनका फेस एकदम चमक गया, ब्राइटन हो गया। जो थोड़ी देर पहले उदास था कि उनके पास कोई गिफ्ट नहीं है बेबी को देने के लिए, अचानक से एक रौनक आ गई, चमक आ गई उनके चेहरे पे। उन्होंने बाइबल को नीचे रखा खड़े हुए, और उनके जो लंबे हाथ थे वो उन्होंने ऊपर की तरफ स्ट्रेच किए, जैसे अलमारी होती है ना जिसमें रखे जाते हैं काफी सामान, तो ऐसे अलमारी में ऊपर के खाने में एक छोटा सा डस्टी बॉक्स उन्होंने निकाला। एक बॉक्स था जो काफी टाइम से ऊपर पड़ा था, शायद उस किसी ने उसको खोला नहीं होगा, निकाला नहीं होगा कभी भी, इसीलिए काफी डस्ट उसके ऊपर सेटल हो गई थी, इसीलिए यहाँ पे डस्टी बॉक्स कहा गया है। और वो बॉक्स स्मॉल था। पापा पनोव ने उसे ओपन किया और उस बॉक्स के अंदर था एक परफेक्ट पेयर ऑफ टाइनी लेदर शूज, मतलब लेदर शूज, एक छोटे से बच्चे के साइज के लेदर शूज बनाए थे, एकदम बढ़िया से क्वालिटी के। पापा पनोव स्माइल्ड विद सेटिस्फेक्शन। यस, दे वर एज गुड एज ही हैड रिमेम्बर्ड, द बेस्ट शूज ही हैड एवर मेड। आई शुड गिव हिम दोज, ही डिसाइडेड एज ही जेंटली पुट देम अवे एंड सेट डाउन अगेन। तो पापा पनोव के चेहरे पे स्माइल आ गई जैसे ही उन्होंने ये शूज देखे, और एक सेटिस्फेक्शन था, एक शांति थी उनके मन में कि यस, मेरे पास कुछ तो है, जब अगर जीसस, बेबी जीसस अगर मेरे यहाँ पे होते तो मेरे पास कुछ तो है उनको देने के लिए। और वो उतने ही अच्छे थे जितने अच्छी तरीके से उनको याद है कि ये उनके बेस्ट शूज थे, जो उन्होंने अपने पूरी लाइफ में जितने भी शूज बनाए उनमें से सबसे बेस्ट शूज यही थे। तो एकदम से वो डिसाइड करते हैं कि आई शुड गिव हिम दोज, मुझे उनको वो देना चाहिए। और बिल्कुल अच्छे से शांति से उन्होंने वो वापस से नीचे रख दिए और नीचे बैठ गए। जेंटली पुट देम अवे मतलब वापस से उन्होंने वो बॉक्स में डाल दिया और वो नीचे बैठ गए चेयर पे। ही वॉज फीलिंग टायर्ड नाउ एंड द फर्दर ही रीड द स्लीपियर ही बिकेम। द प्रिंट बिगेन टू डांस बिफोर हिज आईज सो दैट ही क्लोज्ड देम जस्ट फॉर अ मिनट। इन नो टाइम एट ऑल पापा पनोव वॉज फास्ट अस्लीप। अब वो थोड़े से टायर्ड हो गए थे पापा पनो, क्योंकि दिन भर काम कर रहे थे और शाम को भी अचानक से रीड करने लग गए, तो थोड़े से टायर्ड फील हो रहा था उनको। और वो जितना ज्यादा रीड करने की कोशिश कर रहे थे उतना ही ज्यादा उनको नींद आ रही थी। ऐसा हमेशा होता है हमारे साथ कि हम दोपहर में पढ़ने बैठते हैं, कुछ रीडिंग करने बैठते हैं और हमको नींद आती है। ये सभी बच्चों के साथ होता है, इवन बड़ों के साथ में भी होता है, नॉट बच्चे। द प्रिंट बिगेन टू डांस बिफोर हिज आईज, और जब हम पढ़ते हैं फिर भी तो ऐसा लगता है जैसे वर्ड्स हमारे सामने डांस कर रहे हो, जस्ट फॉर अ मिनट। हाँ, और फिर उसने अपनी आंखें जो है पापा पनोव ने बंद कर ली एक मिनट के लिए, लेकिन एक मिनट के लिए बंद किए, इन नो टाइम पापा पनोव वॉज फास्ट अस्लीप, और उनको बिल्कुल समय नहीं लगा, उनको एकदम गहरी नींद आ गई। एंड एज ही स्लेप्ट ही ड्रीम्ड दैट समवन वॉज इन हिज रूम एंड ही न्यू एट वंस एज वन डज इन ड्रीम्स हू द पर्सन वॉज। It was Jesus. और जैसे ही वो सोए उनको सपना आया, और सपना आया कि उनके रूम में उनके साथ उनके अलावा भी कोई है। एक बार में उनको पता चल गया, जैसे हमेशा सपने में होता ही है कि अगर कोई इंसान अपने खुद को देखता है सपने में तो उसे लगता है कि उसके साथ और भी कोई है, बिल्कुल वैसा ही उनको ड्रीम आया। लेकिन इस बार उन्हें पता था कि उनके ड्रीम में कौन आए हैं, उनके ड्रीम में जीसस आए थे।
You have been wishing that you could see me, Papa Pano, he said kindly. Then look for me tomorrow. It will be Christmas Day and I will visit you, but look carefully for I shall not tell you who I am. अब जो जीसस थे वो कहने लगे, बहुत ही काइंड वर्ड्स उन्होंने कहा, यू हैव बीन विशिंग दैट यू कुड सी मी, तुम्हारी यह इच्छा थी ना कि तुम मुझे देखो पापा पनो, तो ठीक है कल मैं आऊंगा तुमसे मिलने, तुम मुझे देखते रहना कि मैं कब आ रहा हूँ, और कल का दिन क्रिसमस डे रहेगा और मैं पक्का तुमसे मिलने आऊंगा, लेकिन ध्यान से देखना क्योंकि मैं कौन रहूंगा, मैं क्या बनकर आऊंगा ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं कल पक्का तुमसे मिलने आऊंगा। When at last Papa Panov awoke, the bells were ringing out and a thin light was filtering through the shutters. Bless my soul, said Papa Panov, it's Christmas Day. So at last जब Papa Panov उठे तो उस वक्त bells ring हो रही थी चर्च की, क्योंकि ये Christmas Day था और हल्की सी light जो है shutters में से आ रही थी, क्योंकि डे ब्रेक हो गया था, सन रेज भी थोड़ी थोड़ी आ रही थी, तो लाइट जो है थोड़े थोड़े शटर के अंदर से भी उनको ऐसे पता चल रहा था कि इट्स अर्ली मॉर्निंग। सो ब्लेस माई सोल, ब्लेस माई सोल मतलब गॉड को प्रे किया है कि मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, पापा पनोव ने ऐसा कहा। और इट इज अ क्रिसमस डे, मतलब आज क्रिसमस है और आज मेरी आपसे मुलाकात होने वाली है जीसस के लिए। ही स्टूड अप एंड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फॉर ही वॉज रेदर स्टिफ। Then his face filled with happiness as he remembered his dream. This would be a very special Christmas after all, for Jesus was coming to visit him. How would he look? Would he be a little baby as at that first Christmas? Would he be a grown man, a carpenter, or the great king? अब पापा पनो चेयर से उठे, खड़े हुए, उन्होंने पूरे अपने बॉडी को स्ट्रेच किया सबसे पहले, क्योंकि वो चेयर पे बैठे बैठे सो गए थे ना, तो बॉडी अकड़ गया था, स्टिफ हो गया था उनका, और अचानक से उनका चेहरा भी एकदम खुशी से खिल गया था, क्योंकि उनको अपना सपना याद था, क्योंकि उन्हें पता है कि आज स्पेशल क्रिसमस है उनके लिए, क्योंकि जीसस उनसे मिलने आ रहे थे। अब लेकिन जीसस कैसे दिखते होंगे, कैसे दिखेंगे वो, क्या वो छोटे बच्चे के रूप में आएंगे उसके यहाँ पे, जैसे वो फर्स्ट क्रिसमस में आए थे मैरी मदर मैरी के पास में, या कोई ग्रोन अप मैन बन के आएगा, या कोई कारपेंटर होगा, या कोई बड़ा किंग होगा, कौन होगा पता नहीं, लेकिन जीसस आने वाले हैं। दैट ही इज गॉड्स सन, तो हो सकता है वो किंग हो, क्योंकि किंग वो गॉड के जो सन है वो किंग ही है एक तरह से। ही मस्ट वॉच केयरफुली द होल डे थ्रू सो दैट ही रिकॉग्नाइज्ड हिम हाउएवर ही केम। तो पापा पनोव ने डिसाइड कर लिया कि उनको बहुत ही केयरफुली देखना होगा पूरा दिन, क्योंकि उन्हें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ना जीसस को कि वो कौन से भेस में आए हैं। पापा पनोव पुट ऑन अ स्पेशल पॉट ऑफ कॉफी फॉर हिज क्रिसमस ब्रेकफास्ट, टुक डाउन द शटर्स एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। द स्ट्रीट वॉज डिजर्टेड, नो वन वॉज स्टिरिंग येट, नो वन एक्सेप्ट द रोड स्वीपर। He looked as miserable and dirty as ever, and well, he might. Whoever wanted to work on Christmas Day and in the raw, cold and bitter freezing mist of such a morning. अब पापा पनोव जो है, उन्होंने जब वो उठे तो उन्होंने अपने लिए एक स्पेशल पॉट ऑफ कॉफी और क्रिसमस ब्रेकफास्ट जो है चढ़ा दिया, और जैसे ही उन्होंने शटर खोले और विंडो से बाहर देखा तो स्ट्रीट तो पूरी खाली थी, कोई नहीं था स्ट्रीट में, नो वन वॉज स्टिरिंग येट, यानी कि कोई भी अपने बेड से निकलकर बाहर रोड पे नहीं आया था अभी तक, पूरी सीट खाली थी, लेकिन कोई भी नहीं था, लेकिन सिर्फ एक इंसान था और वो था स्वीपर, और वो बहुत ही मिजरेबल दिख रहा था। मिजरेबल यानी दयनीय कंडीशन, दयनीय स्थिति, मतलब उसको बहुत ही दया आ रही थी उसको देखकर, और बहुत ही गंदा सा था एज एवर ही माइट, जो हमेशा ही रहा वो। स्वीपर्स लोग नॉर्मली गंदे ही रहते हैं, क्योंकि उनको कचरा ही निकालना है तो वो क्लीन इतने नहीं रहते हैं, और बाद में सब काम होने के बाद में फिर वो अपने आप को क्लीन करते हैं। और कौन काम करना चाहेगा क्रिसमस के दिन के दिन, वो भी तो चाहता है ना कि उसको भी छुट्टी मिले करके, तो हो सकता है उस वजह से भी वो थोड़ा उदास हो। और इतनी ठंडी में, स्पेशली रॉ कोल्ड एंड बिटर फ्रीजिंग मिस्ट, इतनी जो ठंडी हवाएं चल रही थी, बर्फीली हवाएं चल रही थी, ऐसे सीजन में, ऐसे टाइम में, ऐसे क्लाइमेट में वो काम कर रहा था, तो इट वॉज रियली फॉर डिफिकल्ट फॉर हिम ऑल्सो। पापा पनोव ओपन द शॉप डोर
letting in a thin stream of cold air. "Come in," he shouted across the street cheerily. "Come in and have some hot coffee to keep out the cold." पापा पोनोव ने क्या किया, अपने शॉप के डोर खोले और जैसे ही उन्होंने डोर खोले, ठंडी हवा का झोंका जो है अंदर आया और उन्होंने जोर से चिल्लाकर उस स्वीपर को कहा, कम इन एंड हैव सम हॉट कॉफी टू कीप आउट द कोल्ड। अंदर आके थोड़ा सा कॉफी पी लो गरम गरम, ताकि थोड़ा सा तुमको भी गर्मास मिले। द स्वीपर लुक्ड अप, स्केर्सली एबल टू बिलीव हिज इयर्स। ही वॉज ओनली टू ग्लैड टू पुट डाउन हिज ब्रूम एंड कम इन टू द वॉर्म रूम। His old clothes steamed gently in the heat of the stove and he clasped both red hands around the comforting warm mug as he drank. तो स्वीपर ने देखा कि अरे कौन बुला रहा है उसको, और उसको अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि कोई भी नहीं बुलाता है स्वीपर्स को अपने घर में कि भाई तुम आओ और चाय पी लो। तो वो तो बहुत खुश हो गया था, उसने अपना ब्रूम साइड में रखा और वो अंदर रूम में चला गया अपने आप को थोड़ा गर्म करने के लिए, वार्म करने के लिए। और उसके क्लोथ्स जो है उसने स्टीम के पास थोड़ा सा खड़ा हो गया स्टोव के स्टीम के पास में, ताकि उसके क्लोथ्स भी जो थोड़े गिल्ले गिल्ले थे मिस्ट के कारण, वो थोड़े से गर्म हो गए और हाथ एकदम लाल लाल हो गए थे ठंड के कारण। तो उसने क्या किया, वो जो पॉट ऑफ कॉफी था ना गर्म गर्म, उस पॉट ऑफ कॉफी को अपने दोनों हाथ से ऐसे पकड़ लिया, तो मानो हाथ गर्म कर रहा हो, हाथ सेक रहा हो। पापा पोनोव वॉच्ड हिम विद सेटिस्फेक्शन, बट एवरी नाउ एंड देन हिज आईज स्ट्रेड टू द विंडो। ही वुड नेवर डू टू मिस हिज स्पेशल विजिटर। अब पापा पोनोव तो उसको देख रहे थे तो उनको बहुत तसल्ली मिल रही थी कि हाँ किसी के तो वो काम आए, लेकिन बार बार वो बाहर देख रहे थे। क्यों देख रहे थे बाहर? क्योंकि वो अपने स्पेशल विजिटर को मिस नहीं करना चाहते थे। एक्सपेक्टिंग समवन, द स्वीपर आस्क्ड एट लास्ट, सो पापा पोनोव टोल्ड हिम अबाउट हिज ड्रीम। तो फाइनली स्वीपर देख रहा था कि ये बार बार बाहर क्यों देख रहे हैं, तो स्वीपर ने पूछा, क्या आप किसी का इंतजार कर रहे हो? तो पापा पोनोव ने अपने रात के ड्रीम के बारे में बताया। वेल आई होप ही कम्स, द स्वीपर सेड, यू हैव गिवन मी अ बिट ऑफ क्रिसमस चीयर आई नेवर एक्सपेक्टेड टू हैव। आईड से यू डिजर्व टू हैव योर ड्रीम कम ट्रू, एंड ही एक्चुअली स्माइल्ड। तो अब ये जो स्वीपर है वो कहता है कि आपने मुझे क्रिसमस गिफ्ट दिया जो मुझे कभी कोई नहीं देता, या कभी मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई मुझे देगा, तो आप तो बिल्कुल डिजर्व करते हो, आपका ड्रीम पूरा होना ही चाहिए और जरूर से आपके वो स्पेशल विजिटर आपसे मिलने आने चाहिए। और एक्चुअली ये बोलते बोलते स्वीपर ने स्माइल भी किया। व्हेन ही हैड गॉन, पापा पोनोव पुट ऑन कैबेज सूप फॉर हिज डिनर, देन वेंट टू द डोर अगेन स्कैनिंग द स्ट्रीट। ही सॉ नो वन, बट ही वॉज मिस्टेकन, समवन वॉज कमिंग। अब जब वो स्वीपर चला गया तो पापा पोनोव ने क्या किया, कॉफी तो हो गई, अब उन्होंने कैबेज सूप डिनर के लिए बनाने को रख दिया। कैबेज पत्ता गोभी हम जो कहते हैं, उसका सूप डिनर के लिए वो बनाने के लिए रख दिया। और फिर वापस से वो दरवाजे के पास आए, स्ट्रीट को देख रहे हैं, स्कैनिंग द स्ट्रीट, यानी पूरे स्ट्रीट को यहां से वहां देख रहे हैं कि कहीं से कोई आए, लेकिन कोई नहीं उनको दिखाई दिया। बट नहीं, एक मिनट, शायद उनसे कुछ गलती हो रही है, कोई तो आ रहा था सामने से जो उन्हें दिखाई दे रहा था। द गर्ल वॉक्ड सो स्लोली एंड क्वाइटली हगिंग द वॉल्स ऑफ शॉप्स एंड हाउसेस दैट इट वॉज अ वाइल बिफोर ही नोटिस्ड हर। शी लुक्ड वेरी टायर्ड एंड शी वॉज कैरिंग समथिंग। एज शी ड्रीव नियरर ही कुड सी दैट इट वॉज अ बेबी रैप्ड इन अ थिन शॉल। देयर वॉज सच सैडनेस इन हर फेस and in the pinched little face of the baby that Papa Panov's heart went out to them. तो पापा पोनोव ने देखा कि एक गर्ल जो है धीरे धीरे आ रही थी और दीवारों को हाथ टेकते हुए आ रही थी, मतलब दीवारों को पकड़ पकड़ के चल रही थी, बहुत वीक थी वो। और काफी टाइम लगा पापा पोनोव को समझने में कि वो एक लड़की है और उसने हाथ में कुछ पकड़ रखा है। और जब वो पास में आई तो पापा पोनोव को लगा कि हाथ में जो पकड़ रखा है वो कुछ और नहीं बल्कि बेबी है, छोटा सा बेबी है जो एक बहुत ही पतले से शॉल में कपड़े में लपेटा हुआ है। और वो गर्ल जो है बहुत सैड दिख रही थी और वो जो बेबी था वो भी बहुत ही सैड लग रहा था, मतलब बेबी वॉज नॉट हैप्पी, मे बी वो बेबी हंग्री है या जो भी तबीयत ठीक नहीं है क्या है। और पापा पोनोव का दिल तो उनके लिए मेल्ट हो गया मानो, और वो उनको भी बुलाने के लिए चले गए। Won't you come in? He called, stepping outside to meet them. You both need a warm by the fire and a rest.
तो पापा बनो उनके पास गए और बड़े प्यार से उन्होंने कहा, क्यों क्यों ना तुम अंदर चलो यहाँ पे, और दोनों को तुमको रेस्ट भी मिल जाएगा और थोड़ी वार्मथ भी मिल जाएगी, हीट हो जाएगी। द यंग मदर लेट हिम शेपर्ड हर इंडोर्स एंड टू द कम्फर्ट ऑफ द आर्म चेयर शी गेव अ बिग साय ऑफ रिलीफ। तो जो ये यंग मदर थी तो उसने पापा पोनोव को अपने आप को अंदर ले जाने दिया, मतलब पापा पोनोव जब उनको अंदर लेके जा रहे थे तो पापा पोनोव के पीछे पीछे चले, एंड टू द कम्फर्ट ऑफ द आर्म चेयर, मतलब वो भी जाके एक आर्म चेयर में बैठ गई। और जैसे ही वो आर्म चेयर में बैठ गई, शी फेल्ट अ बिग रिलीफ, बिग साय ऑफ रिलीफ, है ना, जैसे हम बहुत दिन भर चल फिर के थक जाते हैं, कहीं बैठने की जगह नहीं मिल रही है। लोकल ट्रेन में जब हम ट्रैवल करके आते हैं चर्चगेट टू बोरीवली, चर्चगेट टू विरार, और चर्चगेट पे चढ़ते ही आपको बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती है, तो एंड में आते आते जब भाईंदर वसई की तरफ आपको जगह मिलती है तो बैठकर आपको कितना सुकून मिलता है। ये एक कॉमन एग्जाम्पल यहाँ पे जो मुंबई के लोगों के लिए है, ट्रेन में ट्रैवल करने वालों के लिए, तो मुझे ऐसे लगा मुझे बताना चाहिए कि कितना रिलैक्स मिला होगा उतना वो रेस्ट करके। आई वॉर्म सम मिल्क फॉर द बेबी, पापा पोनोव सेड, आई हैड चिल्ड्रन ऑफ माई ओन, आई कैन फीड हर फॉर यू। ही टुक द मिल्क फ्रॉम द स्टोव एंड केयरफुली फेड द बेबी फ्रॉम अ स्पून, वॉर्मिंग हर टाइनी फीट बाय द स्टोव एट द सेम टाइम। तो पापा पनोव ने कहा मैं थोड़ा सा दूध गर्म कर देता हूँ बेबी के लिए, और पापा पनोव ने कहता है कि मेरे भी कभी छोटे बच्चे थे तो मैं उनको दूध पिलाता था, तो मैं तुम्हारे बच्चे को भी दूध पिला दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, स्टोव में मिल्क गर्म किया और केयरफुली ध्यान से वो बेबी को उन्होंने चम्मच की हेल्प से वो वार्म मिल्क पहना दिया, और साथ साथ में जो बेबी के पैर थे ना जो खुले थे, उनमें कुछ शूज वगैरह कुछ नहीं था, तो वो भी वो हीट स्टोव के पास में रखा था, ताकि मतलब बेबी को इस तरह से सुलाया था कि स्टोव के तरफ हीट जो है उनके पैर की तरफ चला जाए बेबी के, जिससे बेबी को थोड़ा वार्मथ वहां पे महसूस हो। शी नीड शूज, द कॉबलर सेड। अब वो बेबी गर्ल थी तो कॉबलर ने क्या कहा कि आपकी बच्ची को शूज की जरूरत है। बट द गर्ल रिप्लाइड, I can't afford shoes. I've got no husband to bring home money. I'm on my way to the next village to get work. लेकिन वो लड़की ने बोला कि मैं शूज अफोर्ड नहीं कर सकती, मेरे पास पैसे नहीं है और ना ही मेरे कोई हस्बैंड है जो घर पे पैसा लेकर आए, मैं तो खुद दूसरे गांव जा रही हूँ काम ढूंढने के लिए। A sudden thought flashed through Papa Panov's mind. He remembered the little shoes he had looked at last night, but he had been keeping those for Jesus. He looked again at the cold little feet and made up his mind. अचानक से पापा पोनोव के दिमाग में एक कुछ फ्लैश हुआ कि कल रात को उन्होंने वो शूज निकाले थे ना, छोटे से टाइनी से शूज थे, तो पापा पोनोव को उन शूज की याद आई जो उन्होंने बनाए थे, बेस्ट शूज थे, लेकिन वो शूज तो उन्होंने जीसस के लिए रख रखे थे। लेकिन फिर जब देखा उन्होंने कि जीसस से ज्यादा अभी ये बेबी की जरूरत है, ये बेबी को जरूरत है, इसके तो पाँव ऐसे ही है, तो उन्होंने अपना माइंड बना लिया और उन्होंने वो शूज जो है उस छोटे से बेबी को लाके दे। ट्राई दीज ऑन हर, ही सेड, हैंडिंग द बेबी एंड द शूज टू द मदर। द ब्यूटिफुल लिटिल शूज वर अ परफेक्ट फिट। द गर्ल स्माइल्ड हैप्पीली एंड द बेबी गर्गल्ड विद प्लेजर। अब पापा पोनोव कहते हैं कि ये ट्राई करके देखो ये शूज, और बेबी को उन्होंने शूज पहना दिया, बेबी का शूज, और परफेक्टली फिट हो गया था बेबी को वो शूज, तो वो गर्ल ने भी स्माइल किया जिसको जिसकी बेबी को शूज दिया, और बेबी तो खुश होके आवाजें निकालने लग गई, जो खुशी के मारे बच्चे जब आवाजें निकालते छोटे छोटे, बिल्कुल वैसी आवाजें वो निकालने लग गई। यू हैव बीन सो काइंड टू अस, द गर्ल सेड व्हेन शी गॉट अप विद हर बेबी टू गो, मे ऑल योर क्रिसमस विशेस कम ट्रू। अब ये गर्ल ने जाते जाते क्या कहा पापा पनोव को कि आप कितने अच्छे हैं, कितने काइंड हैं, और वो अपने बेबी को जब जाने लगी तो जाते जाते उसने यही कहा पापा पनोव से कि आपकी जितने भी विश है क्रिसमस की वो सारी सच हो जाए। But Papa Panov was beginning to wonder if his very special Christmas wish would come true. Perhaps he had missed his visitor. लेकिन Papa Panov तो अभी भी सोचने लग गए कि अरे उनके जो special guest थे Christmas के, जो special wish है उनकी Christmas की, क्या वो वाकई में सच हो जाएगी? और क्या थी उनकी special wish? Jesus उनके घर पे आएंगे. तो perhaps उन्होंने कहीं वो visitor miss तो नहीं कर दिया? इन लोगों को हेल्प करते करते, स्वीपर को और इस गर्ल को हेल्प करते करते। ही लुक्ड एंग्शियसली अप एंड डाउन द स्ट्रीट। देयर वर प्लेंटी ऑफ पीपल अबाउट
but they were all faces that he recognized. There were neighbors going to call on their families. They nodded and smiled and wished him Happy Christmas, or beggars, and Papa Pano hurried indoors to fetch them hot soup and a generous hunk of bread, hurrying out again in case he missed the important stranger. अब पापा पनोव जो है बहुत ही एंशियसली यानी उत्सुकता भरे नजरों से स्ट्रीट को बार बार देख रहे थे आगे पीछे. अभी तो स्ट्रीट पे बहुत सारे लोग हो गए थे, लेकिन वो सारे के सारे चेहरे जो है जाने पहचाने थे पापा पनोव के लिए. उनके नेबर्स थे जो अपने फैमिलीज को बुलाने जा रहे थे, और वो सभी जो आते जाते थे वो उनको पापा पनोव को देख कर स्माइल करके उनको हैप्पी क्रिसमस विश करते थे. थोड़े बेगर्स भी थे वहां पे, तो जब पापा पनोव ने बेगर्स को देखा तो वो फटाफट अंदर गए घर में अपने और फटाफट सूप, हॉट सूप लेकर आए बेगर्स के लिए, और एक अच्छा खासा हंक ऑफ ब्रेड, मतलब ब्रेड का लोफ भी वो लेकर आए, मतलब ब्रेड का टुकड़ा, हंक नहीं टुकड़ा, एक ब्रेड का वो भी वो बेगर्स के लिए लेकर आए, हरिंग आउट अगेन इन केस ही मिस द इम्पोर्टेंट स्ट्रेंजर. और वापस से फटाफट आए कि कहीं उनके जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेंजर थे जिनको वो वेट कर रहे हैं, जिनका वो कहीं मिस ना हो जाए. All too soon the winter dusk fell when Papa Panov next went to the door and strained his eyes. He could no longer make out the passerby. Most were home and indoors by now anyway. He walked slowly back into his room, at last put up the shutters and sat down wearily in his armchair. So it had been just a dream after all. Jesus had not come. Then all at once he knew that he was no longer alone in the room. Ab pura din nikal gaya. विंटर सीजन था तो डस्क जल्दी हो गई, अंधेरा जल्दी हो गया. पापा पनो ने आजू बाजू सब जगह देखा, घूर घूर के देखा कि कहीं कोई स्पेशल उनको गेस्ट उनका दिखाई दे रहा है क्या, लेकिन अब तो कोई भी पासर बाय नहीं है, सब वापस अपने अपने घरों में चले गए थे. फिर पापा पनो स्लोली अपने घर में आ गए, अपने रूम में आ गए, शटर्स बंद कर दिए और थक कर सेट डाउन वियरीली, मतलब थक कर, वियरीली मीन्स थके हुए, अपने आर्म चेयर में बैठ गए और सोचने लगे. तो फाइनली वो सिर्फ एक सपना ही था, ड्रीम ही था, कुछ भी सच नहीं था. लेकिन अचानक से ये सोचते सोचते ही उनको समझ में आ रहा था कि अब वापस से उस रूम में उनके अलावा और भी कोई है. दिस वॉज नॉट अ ड्रीम, फॉर ही वॉज वाइड अवेक. एट फर्स्ट ही सीम्ड टू सी बिफोर हिज आईज द लॉन्ग स्ट्रीम ऑफ पीपल हु हैड कम टू हिम दैट डे. He saw again the old road sweeper, the young mother and her baby, and the beggars he had fed. As they passed, each whispered, "Didn't you see me, Papa Pano?" अब ये जो था वो सपना नहीं था. जब पापा पनोव को लगा ऐसे कि उसके कमरे में उसके अलावा भी कोई है, तो ये सपना नहीं था, वो सोया नहीं था पापा पनोव, वो वाइड अवेक था, वो जागा हुआ था. तो सबसे पहले तो उसको वो सारे लोग दिखे आज जो दिन भर में उससे मिले, जैसे सबसे पहले वो स्वीपर था, रोड, ओल्ड रोड स्वीपर था, फिर वो मदर और उसके बेबी, और वो जो बेगर्स जिसको उन्होंने खाना दिया, वो सारे के सारे आए उसके सामने एक एक करके, और सबने विस्पर किया पापा पनोव के कान में कि क्या आपने हमें देखा था पापा पनोव, आपने मुझे देखा है पापा पनोव. हु आर यू, ही कॉल्ड आउट बिविल्डर्ड. अब सारे के सारे लोग पूछ रहे हैं क्या तुमने मुझे देखा था पापा पनोव, तुमने मुझे देखा था. तो पापा पनोव थोड़े कंफ्यूज स्टेट में होकर थोड़े झुंझलाकर बोलने लगे, कौन हो तुम, कंफ्यूज स्टेट में कौन हो तुम, हु आर यू. देन अनदर वॉइस आंसर्ड हिम, इट वॉज द वॉइस फ्रॉम हिज ड्रीम, द वॉइस ऑफ जीसस. फिर एक और वॉइस आई, और ये अब जो वॉइस आई थी वो वही वॉइस थी जो उसके सपने में थी. आवाज, वॉइस यानी आवाज, ये वही आवाज थी जो उन्होंने सपने में सुनी थी, और ये आवाज किसकी थी, जीसस की थी. आई वॉज हंग्री एंड यू फेड मी, ही सेड. I was naked and you clothed me. I was cold and you warmed me. I came to you today in every one of those you helped and welcomed. तो वो जो आवाज थी जो उनको सुनाई दे रही थी, जो जीसस के जैसी थी, जो सपने में आई थी, वो क्या कह रही थी कि मुझे भूख लगी थी और तुमने मुझे खाना दिया, मुझे कपड़े चाहिए थे पहनने के लिए और तुमने मुझे कपड़े दिए, मुझे ठंडी लग रही थी और तुमने मुझे गर्मास दी. I came to you today in every one of those you helped and welcomed. आज मैं आया था तुम्हारे घर में हर उस रूप में जिसको तुमने अपने घर में बुलाया और जिसकी तुमने हेल्प की. Then all was quiet and still. Only the sound of the big clock ticking could be heard.
फिर अचानक से सब कुछ एकदम शांत हो गया और इतना स्टिल हो गया, इतना काम हो गया कि सिर्फ अब जो क्लॉक की आवाज थी, टिक टिक टिक, सिर्फ वही आवाज आ रही थी। अ ग्रेट पीस एंड हैप्पीनेस सीम टू फिल द रूम, ओवरफ्लोइंग पापा पोनोव्स हार्ट अंटिल ही वॉन्टेड टू बर्स्ट आउट सिंगिंग एंड लाफिंग एंड डांसिंग विद जॉय। सो ही डिड कम आफ्टर ऑल वॉज ऑल दैट ही सेड। तो बहुत ज्यादा शांति जो है और खुशी जो है पापा पनोव के रूम में उस वक्त भरी हुई थी, और पापा पनोव इतने खुश थे, उनका दिल इतना भर आया था कि उनका मन हो रहा था कि वो नाचे गाए खुशियां मनाए, लेकिन सिर्फ वो इतना ही कह पाए। सो ही डिड कम आफ्टर ऑल, तो आखिर में जीसस मुझसे मिलने आए, सिर्फ इतना ही कह पाए। और बस यहीं पर यह हमारा चैप्टर खत्म होता है। इसी के साथ हमारा सिलेबस इंग्लिश का खत्म हो जाता है। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियोस में, जो कि ग्रामर, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इन सभी से रिलेटेड होंगे। और आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।